फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी आई है पावर विंडो के प्रॉब्लम के लिए। इसका पावर विंडो का जो कांच है ये हाफ़ पे आके लॉक हो जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। तो हम आपको इसका दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। अंसारी जी, स्विच ऑन करके ज़रा ऊपर लीजिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ना डाउन होता है ना अप होता है, ये देख सकते हैं कैसा आवाज़ करता है। तो इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका डोर पैड जो आता है उसे ओपन करके चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका पावर विंडो का मोटर रिप्लेस कर दिया है। ये पावर विंडो का मोटर नया डाल दिया है, ये इसका जूना मोटर है। आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या था, हम आपको बताते हैं। ये जो गियर आता है ये देख सकते हैं यहाँ से टूट गया है। इसके लिए मोटर का दाता इस पर यहाँ पर आके यहाँ पर अटक लॉक हो जाता था। इसके लिए ऊपर भी नहीं जाता था, नीचे भी नहीं आता था। ये जो मोटर देख सकते हैं आप, गियर का जो दाता है यहाँ पे मोटर अटक जाता था, लॉक हो जाता था। इसके लिए हमने इसका मोटर रिप्लेस कर दिया है। इसका जूना मोटर है और इसका नया मोटर है। अब हम इसे गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके आपको दिखाएंगे कि अपना पावर विंडो जो है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, पावर विंडो का हमारा काम ये हो चुका है। हमने इसका पावर विंडो का मोटर रिप्लेस किया है। हम आपको ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। ऊपर कीजिए कांच, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा ऊपर भी हो रहा है। नीचे कीजिए पूरा, ये देख सकते हैं अप डाउन दोनों हो रहा है, कोई भी साउंड नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे, एकदम स्मूथली ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हमने पावर विंडो रिप्लेस किया है, मोटर पावर विंडो का, क्योंकि उसका गियर का जो दाता आता है वो टूट गया था, प्लास्टिक वाला है। इसलिए हमने पावर विंडो का मोटर रिप्लेस कर दिया।